हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट, जो कि हमारे पास नया नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G, उसके बारे में यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और आपको पता चलेगा ये कितना बैकअप वगैरह देगा। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और अभी देख सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम बिल्कुल ज़ीरो है, 100% बैटरी चार्ज है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले करने वाला हूँ 2 घंटे का YouTube टेस्ट, और वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन रखेंगे और ब्राइटनेस को हम लोग ऑटो पे रखेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग ऑटो पे ही यूज़ करते हैं ब्राइटनेस को। तो ये टेस्ट के स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं। और यहाँ पर शुरू कर देते हैं टाइमर और फटाफट शुरू करते हैं पहला राउंड अपना, यूट्यूब राउंड। यूट्यूब में अपनी ही वीडियोज़ चला के छोड़ देते हैं। बाकी क्वालिटी यहाँ पर मैं वीडियो की सेट कर दूंगा 1080p पर। फटाफट से सर्च करते हैं अपना चैनल नेम और यहाँ पर अपनी ही एक प्लेलिस्ट को मैं चलाकर छोड़ देता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं चैनल पर और फटाफट से यहाँ पर प्लेलिस्ट को मैं प्ले करता हूँ। और क्वालिटी वॉल्यूम भी यहाँ पर 100% पर रहने वाली है पूरे टेस्ट के दौरान। फटाफट से यहाँ पर शुरू हो गया, फुल वॉल्यूम कर दी है मैंने। और डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 4K तक आप यहाँ पर कंटेंट आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है आपको यहाँ पर। और टेस्ट हमारा शुरू हो चुका है, 1 घंटा ख़त्म हो गया है टेस्ट का। और बैटरी परसेंटेज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो बार बार मुझे सेटिंग में जाके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत छोटे स्क्रीन पर यहाँ पर आ रही है बैटरी परसेंटेज। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी बैटरी परसेंटेज हो गई है 96%। 1 घंटे में सिर्फ 4% इसकी बैटरी गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है अभी के हिसाब से। फिर 1 घंटे के लिए और चला देते हैं इसको, तो 2 घंटे का मार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज पर नज़र डालूँ मैं तो आपको सेटिंग में चल के मैं दिखा देता हूँ कितना हो गया है। तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है अभी 88%, अभी थोड़ी सी बैटरी यहाँ पर लूज़ हो गई। बाकी फ़ोन अभी अच्छा जा रहा था अभी तक तो, और अभी देखते हैं अगले नेक्स्ट राउंड में कितना ये लूज़ करता है। तो 1 घंटे का हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस में हम करेंगे एंटूटू रन यहाँ पर 2 बार, 1 बार नॉर्मल, 1 बार हाई परफॉर्मेंस मोड में। तो यहाँ पर आ चुके हैं रिजल्ट्स हमारे पास। यहाँ पर रिजल्ट आए 7,35,000। टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो आप कितना राइज हुआ, कितनी बैटरी लूज करी। और अभी देखते हैं बैटरी परसेंटेज क्या हुई है एक टेस्ट के बाद। तो यहाँ पर 83%, 5% बैटरी एक टेस्ट में लग गई। अब लगा देते हैं इसका हाई परफॉर्मेंस मोड और अब देखेंगे कितना परसेंटेज में यहाँ पर, कितना स्कोर में यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो टेस्ट को दोबारा से लगा देते हैं राउंड 2 और देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, 7,40,000 का स्कोर आया। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम राइज हुआ इस वाले में, जबकि हाई परफॉर्मेंस मोड लगा हुआ था। बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितनी हुई है। तो बैटरी परसेंटेज 79, बैटरी भी यहाँ पर काफ़ी कम लगी है। अब हमने इसको बैलेंस मोड में लगा दिया है। अब करते हैं गीक बेंच का यहाँ पर स्कोर चेकआउट। गीक बेंच रन कर लेते हैं CPU पहले। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास 1150 और यहाँ पर 2723, ये स्कोर है। और अब एक बार बैटरी परसेंटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी परसेंटेज 77 यहाँ पर आ चुकी है। और अब चलते हैं यहाँ पर, करूँगा मैं इसका GPU टेस्ट, या फिर इसी को परफॉर्मेंस मोड में डाल के कर ले GPU टेस्ट कर लेते हैं। फिर यही सारे मैं रिपीट करूँगा हाई परफॉर्मेंस मोड में। तो स्कोर हमारे पास आ चुका है 3000 के आसपास का यहाँ पर स्कोर आया। अब बैटरी परसेंटेज आपको दिखा दूँ मैं, तो यहाँ पर बैटरी 76, यहाँ पर काफ़ी कम बैटरी लगी इस वाले टेस्ट में। अब हाई परफॉर्मेंस मोड को यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है और अब ये दोनों टेस्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं राउंड 2 और फिर देखेंगे क्या यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह रहते हैं। तो फटाफट यहाँ पर राउंड 2 करते हैं जी यहाँ पर गीक बेंच का। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ यहाँ पर खास डिफरेंस वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला परफॉर्मेंस मोड में। बैटरी की बात करूं, बैटरी भी यहाँ पर कुछ भी लूज़ नहीं करी, 2% बैटरी यहाँ पर गिरी, जो कि कुछ भी नहीं है 2% यहाँ पर इस टेस्ट के हिसाब से। अब चलते हैं GPU, इसको भी रिपीट करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बेटर स्कोर देखने को मिला, बट उतना ज़्यादा नहीं कि परफॉर्मेंस मोड में कोई जादू हो गया। बैटरी परसेंटेज यहाँ पर कुछ खास नहीं गिरी, 72%। 3 घंटे का मार्क यहाँ पर क्रॉस कर चुका है फ़ोन। अब करते हैं एक हल्का सा राउंड, 1 घंटे का सोशल मीडिया राउंड, जिसमें मैं प्ले करने वाला हूँ यहाँ पर। आधे घंटे के लिए शॉर्ट्स चलाएंगे, आधे घंटे के लिए रील्स चलाएंगे।
तो यहाँ पर शॉर्ट्स को मैंने प्ले पर लगा दिया है और मैं यहाँ पर स्क्रोलिंग भी करता रहूँगा और अपनी वीडियोस को यहाँ पर मैंने लूप पे लगा दिया है। अब इनको देखते रहेंगे, तो पहले इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा ये वाला टेस्ट। बैटरी परसेंटेज आपको मैं दिखा देता हूँ, 67, आधे घंटे के बाद 67% यहाँ पर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना रील स्क्रोल वाले राउंड पे, और जिस जिसने हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। आपको आईडी देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, गौतम टेक एंड गैजेट्स। और 4 घंटे का मार्क हमारा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, बैटरी परसेंटेज आ चुकी है 61% पर। और अब नेक्स्ट राउंड चलते हैं सबसे हैवी टास्क, 1 घंटे की यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि मैं करने वाला हूँ 4K में। इस टेस्ट में फ़ोन काफ़ी बैटरी लूज कर देते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बैटरी ये लूज़ वगैरह करेगा। तो यहाँ पर करते हैं टेस्ट को शुरू और देखेंगे 1 घंटे के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट्स वगैरह रहते हैं। थोड़ा सा फ़ोन को मैंने ऊपर रख दिया जिससे कि ब्लैक स्क्रीन ना रहे। तो 1 घंटे का मार्क हमारा पूरा हो चुका है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो 59 मिनट से ऊपर की हो चुकी थी। और अब चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी परसेंटेज वगैरह क्या रही। तो यहाँ पर बैटरी हो गई 41%, 20% बैटरी यहाँ पर चली गई। 20% बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं बोलूँगा, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम करा है फ़ोन ने, और कुछ खास हीटिंग वगैरह भी मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं हुई। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर 1 घंटे का गेमिंग टेस्ट और फिर चेकआउट करेंगे क्या रिजल्ट्स हैं। गेमिंग में मैं BGMI की आपको सेटिंग दिखा दूँ, HDR अल्ट्रा में मैक्सिमम आप खेल सकते हो, यही आपको हाईएस्ट सेटिंग मिलने वाली है। तो हम लोग हाईएस्ट सेटिंग पे ही गेम प्ले को करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा 45 मिनट्स का ये गेमिंग ख़त्म हो गई, 45 मिनट्स तक हमने BGMI खेला यहाँ पर। और आपको मैं दिखा देता हूँ बैटरी परसेंटेज, और टेस्ट को करते करते हमारी यहाँ पर लाइट भी चली गई, तो आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर बैटरी परसेंटेज हो गई थी हमारी 27%। और इस वाले राउंड में बैटरी अच्छी खासी लगी 45 मिनट्स में। गेम प्ले को हमने हाईएस्ट सेटिंग पे रखा था, अब हम आधे घंटे के लिए यहाँ पर खेले BGMI, और BGMI के बाद के मैं आपको रिजल्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ कि क्या रहे और कितनी बैटरी यहाँ पर लूज़ करी फ़ोन ने। तो यहाँ पर खेलने के बाद हमारी बैटरी परसेंटेज आ चुकी है 19%, और फ़ोन यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब गाइज हम लोग एक 3D मार्क का टेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर रनिंग पे। 6 घंटे 15 मिनट हमारे टेस्ट को यहाँ पर हो चुके हैं, मैं एक 20 मिनट का यहाँ पर लूप लगा के छोड़ देता हूँ, और 20 मिनट का लूप यहाँ पर 2 बार चला देंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट रहे। तो एक लूप हमारा ख़त्म हो गया है, ये स्कोर देखने को मिला, और इसको फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड में लगाने के बाद, फिर देखेंगे क्या यहाँ पर रिजल्ट्स रहे। बैटरी यहाँ पर 11% पर आ चुकी है, और जल्दी से जल्दी मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी को हम लोग रिपीट कर देंगे राउंड को, और इसी का दूसरा टेस्ट मैं रिपीट करता हूँ 20 मिनट वाला, उसमें आपको स्कोर भी पता चल जाएगा और बैटरी परसेंट भी पता चल जाएगी कितनी जल्दी जल्दी ये लूज़ कर रहा है। तो एक और टेस्ट यहाँ पर लगा दिया है मैंने, ये कुछ रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर 7 घंटे फ़ोन क्रॉस कर चुका है, बैटरी आ चुकी है यहाँ पर 2%, 3% के आसपास अभी देखते हैं, और इसकी लास्ट की बैटरी परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं चलती, 2% पर ही आ चुका है। और इसके बाद ये फ़ोन जस्ट जाने वाला है। और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ पर कि फ़ोन ने यहाँ पर वार्निंग दे दी थी, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी, ये यहाँ पर नहीं हुई, और फ़ोन ने वार्निंग दे दी है कि थोड़ी देर में आपका फ़ोन ऑफ होने वाला है, इसको चार्जिंग पे लगा दो। तो ये चीज़ अच्छी है, आपको वार्निंग मिल जाती है ऑफ होने से पहले, कुछ अगर आप इम्पॉर्टेंट कर रहे हो तो वो टास्क आप सेव कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा फ़ोन काफ़ी जल्दी जल्दी लो होता गया, और ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं चलाई, शॉर्ट्स को ही स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते करते ही ये यहाँ पर डेड हो गया फ़ोन, और हमें मिला यहाँ पर 7 घंटे 1 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। तो इतना यहाँ पर इसने स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। डे टू डे लाइफ में आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत आपका कम भी हो सकता है, नेटवर्क वगैरह पे रहेगा वो डिपेंड। बाकी इस तरह से ड्रेन के रिजल्ट्स हैं, इतने इतने ईच राउंड में लूज़ करी देख सकते हो आप। अब करते हैं यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट। चार्जिंग यहाँ पर आपको 120 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, कंपनी एडवर्टाइज करती है 20
मिनट के अंदर फुल हो जाएगा। और अभी हम बिल्कुल ज़ीरो से देखते हैं कि ये कितना होता है। पावर को यहाँ पर ऑफ प्लग इन करके, जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा उसके बाद हम यहाँ पर टाइमर को शुरू कर देंगे। तो देखते हैं इस वाले में कितनी देर लगती है। यहाँ पर हमने कर दिया प्लग ऑन और स्टॉप वॉच को कर दिया है चालू। फ़ोन को ऑन होने में देखते हैं कितनी देर लगती है। इस वाले फ़ोन को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लगभग 4 मिनट के आसपास पे फ़ोन यहाँ पर ऑन हुआ और बैटरी परसेंटेज थी यहाँ पर 3%। और उसके बाद मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया जिससे कि यहाँ पर पता चले फास्ट चार्जिंग 120 वॉट से हो रही है या नहीं। और 4 मिनट के मार्क के बाद यहाँ पर शुरू हुई चार्जिंग और 10 मिनट के मार्क पर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हुआ, 40% यहाँ पर चार्ज हो गया। काफ़ी इम्प्रेसिव है इसकी शुरू की इनिशियल स्पीड, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और 15 मिनट के मार्क पर फ़ोन हो चुका था 60%, काफ़ी जल्दी जल्दी ये चार्ज हो रहा है। और 20 मिनट के राउंड पर मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, 20 मिनट हो चुके हैं, 80% यहाँ पर हो गया, 80% भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और 25 मिनट के मार्क पर फ़ोन हो चुका है 98%, अब ये कुछ ही टाइम में 100% चार्ज होने वाला है। मैंने कोई भी यहाँ पर अंदर से फास्ट चार्जिंग को ऑन नहीं किया, मैनुअल पे ही मैं कर रहा हूँ। 27 मिनट के अंदर अंदर फ़ोन 100% पूरा चार्ज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो एकदम 100% ये चार्ज दिखा रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव इसकी चार्जिंग स्पीड है। और 27 मिनट में आपका फ़ोन फुल हो जा रहा है, काफ़ी अच्छा है। 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग काफ़ी इम्प्रेसिव है। चार्जिंग के रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं। तो गाइज मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इसके स्क्रीन ऑन टाइम से, 7 घंटे के आसपास ये टिक गया और 27 मिनट के अंदर अंदर फुल 100% चार्ज हो गया, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी इससे रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे लाइव हैं, वो चेकआउट कर सकते हो आप। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो देखने में। थैंक यू सो मच।